अब आप मेरी आवाज सुन पाएंगे कि आपको कैसे आ रही है। दोस्तों कम से कम मैं 25 फुट पीछे आ चुका हूँ इससे, आपको मेरी आवाज कैसे आ रही है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल टेक बड़ी पर। दोस्तों कोई भी वीडियो हिट करने के लिए आपके पास दो चीजें होने बहुत जरूरी है, एक वीडियो क्वालिटी और सेकेंड है साउंड क्वालिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं साउंड क्वालिटी की। आज हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ग्रेनैरो S9 वायरलेस माइक्रोफोन। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ये है ग्रेनैरो ब्रांड का डुअल चैनल S9। S9 इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग और जानेंगे इसकी ऑडियो के बारे में, इसकी क्वालिटी कैसी है और रिकॉर्ड कैसे करता है और क्या क्या फीचर है इसके अंदर। ये मैंने 3-4 दिन पहले ही परचेज किया है अमेजोन से। Amazon पर इसका प्राइस 2199 शो कर रहा था लेकिन 500 का कूपन लगकर मुझे ये 1699 में मिल गया है। दोस्तों बात की जाए अगर चार्जिंग टाइमिंग की तो ये 1.5 घंटे के करीब लेता है चार्ज होने में। अगर बात की जाए इसके वर्किंग टाइमिंग की तो 5 से 8 घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हैं और अगर आपने इसे फुल चार्ज किया है तो 10 घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर कंपेरिजन किया जाए ग्रेनैरो के दूसरे प्रोडक्ट से तो इसकी वर्किंग टाइम थोड़ी कम है। तो चलिए खोलते हैं बॉक्स को। इसमें हमें डिटेलिंग मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, एक सी टाइप केबल और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है ग्रेनैरो का माइक्रोफोन। बात की जाए ग्रेनैरो ब्रांड के इस माइक्रोफोन की तो लुकिंग वाइज ये काफी इंप्रेसिव है। इसकी बॉडी ब्लैक प्लास्टिक की है और देखकर काफी प्रीमियम लगता है। बीच में एक छोटी सी LED दे रखी है जो कि चार्जिंग की परसेंटेज को बताती है, जबकि ग्रेनैरो के दूसरे मॉडल में ये चीज नहीं दी गई है। इसमें हमें 2 रिसीवर मिलते हैं, एक आईफोन के लिए और दूसरा एंड्रॉइड फोन के लिए Type-C, और साथ ही 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, यानी 2 लोग एक साथ बात करेंगे तो दोनों की वॉइस आपके स्मार्टफोन में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं जिससे रिसीवर और ट्रांसमीटर को इसमें निकालने और डालने में आसानी रहती है। आइए हम इसका यूज करके देखते हैं। तो हम इसे मोबाइल में अटैच करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। दोनों ट्रांसमीटरों को ऑन कर लेते हैं। जो पहले ग्रीन सिग्नल आ रहा है उससे पता चलता है कि ये डिवाइस से कनेक्ट हो चुके हैं। रिसीवर के 3 मोड होते हैं। इसकी आवाज कम ज्यादा करनी हो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको आवाज कम चाहिए तो 1 प्रेस कीजिए, अगर आपको आवाज का साउंड ज्यादा चाहिए तो 3 बार प्रेस कर दीजिए तो आपके साउंड और तेज हो जाएगी। बात करते हैं ट्रांसमीटर की, जानते हैं इसके अदर ऑप्शंस के बारे में। इसके 3 मोड होते हैं। पहली जो ग्रीन लाइट चल रही है इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फोन से ये कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरा, 1 बार प्रेस करने से ये नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बटन को प्रेस करते ही 3 नंबर पर एक शार्प ग्रीन लाइट आ जाती है और दोबारा 1 बार प्रेस करने पर ये नॉइस कैंसिलेशन बंद हो जाता है। तीसरा, ये अगर आप 2 बार इसे प्रेस करेंगे आप देख पा रहे हैं ये हल्की सी ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी ये माइक्रोफोन म्यूट हो गया है, और इसके बटन को दोबारा 2 बार प्रेस करने से ये अनम्यूट हो जाएगा और ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी। अगर आप इसे 3 बार प्रेस करेंगे तो सेकंड मोड में जो ग्रीन लाइट जगेगी वो इको को ऑन कर देगी, यानी उसकी जो साउंड होती है वो स्पीकर में बोलने जैसी होती है। अगर कोई सिंगर इसे यूज करना चाहे तो कर सकता है। और फिर से इसको 3 बार प्रेस करने से ये इको मोड से बंद हो जाता है और आप नॉर्मल साउंड सुन पाएंगे। इसे हम सी टाइप केबल से चार्ज कर सकते हैं। इसके ट्रांसमीटर के ऊपर स्पीकर दिए गए हैं जो हमारी क्वालिटी को और अच्छा बना देते हैं। इसके क्लिप की बिल्ट क्वालिटी काफी अच्छी है और स्मूथ है और देखने में कॉम्पैक्ट साइज में है और इसे यूज करने में ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई सस्ता माइक्रोफोन ले लिया है। देखने में काफी कूल डिवाइस लगता है। अनबॉक्सिंग करते वक्त मैंने जिस माइक्रोफोन का यूज किया था वो था लैब राइडर का, जिससे मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ। दोस्तों चलते हैं और चेक करते हैं इसकी क्वालिटी को। तो चलिए मेजरमेंट करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों अभी मैं पीछे जा रहा हूं। दोस्तों कम से कम मैं 25 फुट पीछे आ चुका हूं इससे, आपको मेरी आवाज कैसे आ रही है देखिए। अभी मैं 15 फुट पीछे हूं। गाइस कैसे आ रही है आपको मेरी आवाज। दोस्तों अब हम आउटडोर आ चुके हैं और जानते हैं इसके अदर फीचर्स को। सिंगल टैप करने पर ये एंटी कैंसिलेशन नॉइस को ऑन कर देता है।
अब आप मेरी जो आवाज सुन रहे हैं इसमें नॉइज कैंसिलेशन को ऑन कर रखा है, सिंगल टैप दबाने से ये बंद हो जाता है। अब मैं इसको 3 बार दबाऊंगा और इसका इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा। अब आप मेरी आवाज सुन पाएंगे कि आपको कैसे आ रही है। दोबारा से 3 टैप दबाने से ये बंद हो जाती है। दोस्तों, पर्सनली मुझे ग्रेनेरो का S9 काफी अच्छा लगा, और अगर आपको इसी रेंज में इससे भी अच्छा कोई प्रोडक्ट का पता है तो भी हमें कमेंट करें, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी उसके बारे में पता हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।